नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्रॉनिकल के जीके जीएस के बहुत ही उपयोगी बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे इस बुक में, आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे पॉइंटर के फॉर्म में, मतलब वन लाइनर के फॉर्म में। और ये बुक दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलने वाले हैं। और इस बुक का जो MRP है दोस्तों 295 रुपये है, जिस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रॉनिकल पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों, शानदार बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जीके जीएस आपको पॉइंटर है, मतलब वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिलेगा 15,000 से ज़्यादा, और 200 प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कलेक्शन देखने को मिलेगा। 2023 का एडिशन है और 295 MRP है। इस बुक में आपको सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। खंड ए में भारत का भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा। भूगोल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा खंड बी, जिसमें विश्व का भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद खंड सी में आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण आपको खंड डी में देखने को मिलेगा। खंड ई में आपको साइंस वाला सेक्शन है, भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान आपको देखने को मिलने वाला है एफ और जी में। और फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो साइंस और टेक, उसके बाद आपको संविधान, ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बाद खंड के यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों अगला पार्ट कला एवं संस्कृति, और पेज नंबर आपको 276 तक देखने को मिलेगा, मतलब 276 से ज़्यादा पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बुक में आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज उनको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जैसे भारत का ही ज्योग्राफी है तो उसको छोटे छोटे टॉपिक में इस तरह से डिवाइड किया गया है। और ये मुझे अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए, वही सब क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आपकी एग्जाम को ध्यान में रखकर NCERT और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस होते हैं उनको कवर करके इस बुक को तैयार किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। ये बुक दोस्तों रेलवे हो गया, SSC एग्ज़ाम हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, कह सकते हैं। और जैसे यहाँ देख सकते हैं खंड सी में जनसंख्या एवं नगरीकरण के क्वेश्चन है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनसंख्या एवं नगरीकरण से बनते हैं उनका कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे टॉपिक में यहाँ क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। उसके बाद पर्यावरण एवं परिस्थितिकी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, रसायन विज्ञान, उसके पहले आपको भौतिक विज्ञान की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस भी आपको देखने को मिलेगा, जो मिसलेनियस है उसको अंतिम में रखा गया है हर टॉपिक के, ठीक है। तो ये जो है साइंस वाला पोर्शन अभी आप देख रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदर जो बुक आते हैं वन लाइनर जो भी आते हैं, महेश कुमार बर्नवाल, उसी पैटर्न में ये बुक है दोस्तों। और मतलब जीके जीएस इस बुक में कवर किया गया है, अच्छे तरीके से कवर किया गया है। मार्केट में ऐसे काफ़ी बुक हैं, बट इसमें क्या किया गया है ना कि जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम है उनको कवर किया गया है और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस बुक को लेना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले मापक एवं इकाई है, फिर उसके बाद प्रकाश है, इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक में आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। साइंस और टेक वाला ये पोर्शन आ गया, ठीक है, साइंस और टेक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कला एवं संस्कृति आखिरी टॉपिक है, ठीक है। और बुक दोस्तों अच्छा है और हर एक टॉपिक को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगा, साइंस वाला पोर्शन भी देखने को